ऐसा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और हूँ एक पश्चिमी राजस्थान यूनिवर्सिटी में निकल रहा है। एक मुख्यमंत्री जी एक अलग है, सब चीज़ें अलग है। मारो काम जनता की सेवा करनी है, जनता रो काम करना जो करा। देखो भगत सिंह कहे तो पैरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती और मैं धमाके करने वाला। पश्चिमी राजस्थान में फायर ब्रांड छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी की एक मैराथन रैली ने कांग्रेस और बीजेपी की नींद उड़ा दी है। युवा दिवस के मौके पर रविंद्र सिंह भाटी जहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं यानी शिव विधानसभा में रन फॉर रेगिस्तान का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में भीड़ को देखकर बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही सरकार के भी होश उड़ गए। देखिए रन फॉर रेगिस्तान के नाम पर रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी और कांग्रेस को दरअसल एक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी की राजनीति रही है वो हमेशा निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े हैं और पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय से निर्दलीय चुनाव जीते थे और उसके बाद से ही जिस तरीके से अब इसी 11 महीनों के बाद में चुनाव है और इसी के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन युवाओं के नाम पर किया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरों में बताए कि किस तरीके से, आप देखिए बाकायदा ये कार्यक्रम चल रहा है जहाँ पर किस तरीके से जो लोक कलाकार के गीत होते हैं वो चल रहे हैं। बाकी आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से ऐसा बताया जाता है कि रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों का ये दावा है कि यहाँ पर बाड़मेरी नहीं, पश्चिमी राजस्थानी नहीं, पूरे राजस्थान से हजारों की तादाद में युवा आए हैं। दरअसल रविंद्र सिंह भाटी इसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाल ही में बीजेपी ने पूरे राजस्थान के अंदर जन आक्रोश रैली निकाली, रैलियों को सफल बनाने के लिए केंद्र के बड़े बड़े मंत्रियों को भेजा, लेकिन भीड़ नहीं जुट पाई। वहीं दूसरी ओर रविंद्र सिंह भाटी के एक आह्वान पर 20,000 से भी ज्यादा युवा और बुजुर्ग इकट्ठे हो गए। जब सड़कों पर निकले तो सैलाब की तरह दिख रहे थे। जैसे राहुल गांधी पैदल यात्रा में चलते हैं, कुछ उसी अंदाज में रविंद्र सिंह भाटी युवाओं के साथ 3 किलोमीटर तक लगातार पैदल चलते गए। हालत ये हो गई कि जो व्यवस्थाएं की गई थी वो सारी फेल हो गई, क्योंकि इतनी भीड़ की उम्मीद तो खुद रविंद्र सिंह भाटी ने भी नहीं की होगी। तो आप सब जितना भी साथी बता रहे, आप सब युवा रो जो को जोश देखो वो वाकई काबिले तारीफ है। मैं समस्त युवा शक्ति रो हृदय आनंद गहराई हूँ, आभार व्यक्त करो। देखने हुआ काम है देखन रो, आप कह रहे आंखें बंद कौन कर सको। और रही बात दूसरी, एक कार्यक्रम पूरे तरीके में एक नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है, तो आप देखता उसो कि ये मंच रे मत है, सिवाय कलाकार और कोई को नहीं है। इवन मैं खुद भी आप सब आने के लिए साइड में नहीं खड़ा, अपनी पहल है कि आप पे अपना इतने कलाकारा ना पे आगे जगह दिया, अपने युवाओं ना जगह दिया, उना हिट और फिट रो एक संदेश दिया, तो उही वास्ता है। बाकी साहब मैं आंखा और माता कह रही हाथ दाई जगह नहीं। तो अब आगे इलेक्शन लड़ने तैयारी है? देखो सब भविष्य गर्भ ने मीना है ना, काम करा पड़ो म्यालो जो को काम है वो आज में कौन नहीं, जदे छात्र संघ अध्यक्ष बनो जदे पता करा, जनता जनार्दन हुए आप रे चाउन में या मारे चाउन में या बड़े केरे चाउन में कहीं को होया करे, जनता जो को चाहे वो उसे। ऐसा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और हूँ एक पश्चिमी राजस्थान यूनिवर्सिटी में निकल रहा है। एक मुख्यमंत्री जी एक अलग है, सब चीज़ें अलग है। मारो काम जनता की सेवा करनी है, जनता रो काम करनी जो को करा। रैली की शुरुआत में तो हालत ये हो गई कि जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाने आए थे वो पूरी तरह से बेकाबू हो गए। 10,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए, आखिर में रविंद्र सिंह भाटी को माइक संभालना पड़ा और लोगों से अपील करनी पड़ी, तब जाकर भीड़ काबू में आई। इस भीड़ ने पुलिस प्रशासन के भी पसीने छुड़ा दिए। कार्यक्रम बहुत ब्यूटीफुल था और अच्छा भी है, ऐसे युवा है, ज्यादातर युवाओं को प्रेरित करता है और विकास के नाम भी अगर आगे भी 2023 भी देखेगा तो इसके स्तर से अच्छा भी है। और ये संदेश युवा जहाँ भी घूमेगा उधर वोटर्स भी घूमेगा। क्या लगता है रविंद्र सिंह भाटी में वो काबिलियत है विधायक बनने? हाँ काबिलियत है, देखा पिछले 2-3 साल के अंदर देखा है, जो काबिलियत है जब इतना जुनून छाया है, इतना उमड़ा है जुनून सैलाब, बिना इन्वाइट की सिर्फ इतना ही बोला गया कि एक होगा रन फॉर रेगिस्तान, इतने आए, किसी को ये नहीं बोला गया, गाँव से एकत्रित नहीं किया, जो आए अपने मन से आए, इतने आए इससे डबल गांव में हैं जो नहीं पहुंच पाए।
भीड़ में आए युवाओं का कहना था कि शिव विधानसभा का विकास इतने सालों में नहीं हुआ है, अब वो रविंद्र सिंह भाटी को अपनी उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी को शिव विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जाएगा ताकि सभी मुद्दों को सुलझाया जा सके। अब देखिए किस तरीके से रन फॉर रेगिस्तान का आगाज हो चुका है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरों में बताएं कि किस तरीके से हजारों की तादाद में लोग आए हैं। इसे रविंद्र सिंह भाटी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। 2023 का विधानसभा चुनाव है। भाटी की रैली में भीड़ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 4 किलोमीटर तक लंबा जाम लग चुका था। पुलिस को ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। काफी देर तक लोग जाम में ही फंसे रहे। लोगों के मनोरंजन के लिए पश्चिमी राजस्थान के लोक कलाकारों का 3 घंटे का रंगारंग प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें देश के जाने माने लोक कलाकार स्वरूप खान से लेकर फकीरा खान ने राजस्थानी भाषा में अपनी प्रस्तुतियां दी। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में भाटी की हुंकार से ही बड़े बड़े नेताओं के चेहरे पर पसीना आ रहा है। राजस्थान तक के लिए बाड़मेर से दिनेश बोहरा की रिपोर्ट।